दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिवगत से। दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम चमकते सितारे मिले गांव में हमारे इसी प्रोग्राम में हम किसी कलाकार को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज चमकते सितारे मिले गांव में हमारे इसी प्रोग्राम में हमने खास आमंत्रित किया है आदरणीय ज्वाली मोरे साहब को। जी हाँ, ज्वाली मोरे साहब एक ऐसे कलाकार है, ऐसे संगीतकार है, ऐसे गीतकार है जो पूरी तरह से बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों का कार्य करते हैं। कई सारे कलाकारों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है और संगीत के क्षेत्र में उन्हें लाया है। तो ऐसे ज्वाली मोरे साहब से मिलते हैं चमकते सितारे मिले गाँव में हमारे इस प्रोग्राम में। जय भीम मोरे साहब जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मोरे साहब, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी के चमकते सितारे मिले गांव में हमारे इस प्रोग्राम में मैं आपके कार्य की सराहना करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं जो परिवर्तन के इस लड़ाई में आप गिंदु के जरिए काम करते हो। तो सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे हम। तो आपका परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ज्वाली मोरे रहने वाला मुंबई से हूँ। मेरा नेटिव प्लेस है सतारा, महाराष्ट्र के अंदर है। और सबसे पहले कि मैं लॉर्ड बुद्धा चैनल है और टीम, लॉर्ड बुद्धा की टीम और यहाँ नांदेड़ की जो टीम है, गच्चे सर हैं और पूरी उनकी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। जी जी जी। मोरे साहब, क्या होता है, जो गाता है वो लिख पाता नहीं है, जो लिखता है वो गाता नहीं है। तो आप संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और अच्छी तरह से गीतों को धुन बिठाते हैं आप। तो ये तीनों तीनों बातें कैसे आप मेंटेन करते हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। सर, ऐसी बात है कि हमारे घर में जी, मतलब मेरे दादा परदादा सारे इसी में हम लोग जुड़े हुए हैं संगीत से। जी जी। मेरे दादाजी अच्छा पकवास बजाते थे। क्या है नाम दादाजी का? तुकाराम शेट्टी। जी जी जी। उस टाइम में तुकाराम शेट्टी महार कहा जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी। ओके। और उसके बाद मेरे डैडी जो है, मेरे पिताजी, तो उनका नाम, असली नाम है नारायण तुकाराम मोरे। जी जी जी। लेकिन उन्होंने जब इस कला क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने एम नागेश रोटेकर अपना नाम। अच्छा, वो जाने जाते थे सर। अच्छा। अच्छा हारमोनियम बजाना, गीत लिखना और बहुत सारी कला खूबी थी उनके। चित्रकार थे अच्छे से, मूर्तियाँ बनाते थे। अच्छा। उस टाइम में कुम्भार के घर में जाके मूर्तियाँ, गणपति की मूर्ति बना रहे, ये सब उन्होंने उनके पास था। अच्छा। बहुत सारी कला से वो संपन्न एकदम ये थी। अच्छा। और नेचुरली भी खून खून। जी 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 जी। पहले दादाजी की ओर से ये संगीत का वारसा आपके पास आया है, तो संगीत के क्षेत्र में पहला कदम आप कब रखा? वैसे तो मैं बचपन से संगीत से जुड़ा हूँ। जी जी। और कमर्शियल में मैं 1985 में आया हूँ। अच्छा। लेकिन इससे पहले मैं बैंड पथक, मुंबई में जो बैंड पथक चलती थी शादी वादी में, जी 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 जी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे काम किए हैं। फिर 80-81 के दरमियान। अच्छा। मैं कोंगो बजाता था। अरे वाह। और अच्छा कोंगो बजाता था, बहुत बिल्कुल छोटा था मैं। जी जी। तो उस टाइम में ये तमाशा करने वाले रघुवीर जी खेड़कर, अच्छा, उनके साथ भी मुंबई में अच्छा, कोंगो इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया था। जी, और जी, उनको आता नहीं था बजाने के लिए। अच्छा। तो मुझे ही बुलाया करते थे, तो मुंबई में उनके साथ मैंने बहुत सारे काम। जी जी। मुंबई से आप सातारा से मुंबई कब आया? बचपन से, मतलब मेरा जन्म सातारा में हुआ। अच्छा। लेकिन जब से छोटा था, शायद मैं 3-4 महीने का रहा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। सर जी, संगीतकार बोलकर आपने पहला गीत कौन सा संगीत में बिठाया था? उसने एक्चुअली क्या था कि बॉलीवुड संगीत से मैं बहुत इम्प्रेशन था उसका। अच्छा अच्छा जी। और खास करके शंकर जयकिशन, हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अच्छा, आर डी बर्मन, कल्याण जानन जी, उनसे गाने, उनके गाने से मैं बहुत प्रभावित था। जी जी जी। शंकर जयकिशन के गाने तो मुझे दिलो दिमाग में, मतलब आज भी कोई गाना पूछे, अच्छा, इंट्रो क्या है, म्यूजिक क्या है, पार्ट क्या है, जी जी, तो मैं तुरंत बता देता। अरे वाह वाह। तो ये बचपन से ही दिलो दिमाग में सब सारी बातें बैठी थी। अच्छा अच्छा। और कहीं ऐसा घूमता था इधर उधर, हाँ, तो बस ऐसे अपने आप दिमाग में वो धुन कुछ न कुछ बन जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। जी जी। वैसे मुझे पहला मौका मिला 1986 या 87 में। अच्छा।
तड़प नाम की एक फिल्म आई थी जी, वो रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए मैं कभी खुद के नाम के पहले मैंने संगीतकार कभी नहीं लगाया। अच्छा। जब तक पर्दे में नहीं आती तब तक उस फिल्म का कोई वैल्यू नहीं है। जी जी जी। तो फिर हम तो उसमें काम किए तो उसका उसका कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने कभी संगीतकार करके नहीं ये किया मैंने। जी जी। लेकिन स्टेज के मतलब रंगमंच पर जिसे स्टेज कहते हैं। अच्छा। तो वो स्टेज पे मैंने बहुत सारे काम किए, मतलब अच्छा। जॉली ऑर्केस्ट्रा करके मेरा बैनर था, मेरा ना खुद का नाम जॉली। अच्छा। लेकिन उसका नाम जो ऑर्केस्ट्रा मैंने बनाया था। जी जी जी। और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, बहुत सारे। जी। मेरी खुद की अपनी बस थी उस टाइम पे। जी जी जी। लेकिन जी। खास मजे की बात बताता हूँ मैं। हाँ बोलिए बोलिए। कि जॉली ऑर्केस्ट्रा किसी आदमी का नाम है ये मैंने कभी जिक्र नहीं किया था। अच्छा। लोगों के सामने। जी जी जी। जॉली ग्रुप मतलब सब सारे जितने भी कलाकार हैं सब जॉली। अच्छा। और मेरा स्वभाव भी वही था। हाँ। कि अगर कोई गेस्ट आए मुझे मिलने तो मैं बहुत शर्माता था, मैं नहीं जाता था उनके सामने। अच्छा, अच्छा। तो मैं किसी भी हड्डे कट्टे आदमी को भेज देता, मैं ऐसा ही था। अच्छा, तो मैं शर्माता था। नहीं, अभी भी ऐसे ही है। तो मैं किसी हड्डे कट्टे आदमी को भेज देता, भाई तू जॉली बन के जा। जी जी जी। तो आज तक जॉली ऑर्केस्ट्रा सबको मालूम है। अच्छा। शायद मैंने यहाँ पे भी किया है नांदेड़ में। अच्छा। डांगे करके थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया था जॉली ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से। जी। तो जॉली किसी का नाम है ये मालूम नहीं है आज महाराष्ट्र को। जी जी। लेकिन जॉली ऑर्केस्ट्रा मालूम है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी आपका स्वभाव जॉली है, इस वजह से नाम गिरा क्या आपका जॉली? नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने मेरा नाम जॉली रखा। 1960 का मेरा जन्म है। जी 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 जी। और वो BST में का सर्विस करते थे, BST में कंडक्टर थे मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी कुछ साल मतलब 6 साल मैंने भी कंडक्टर की थी। जी जी जी। BST में। जी जी। मुंबई के BST में। जी जी। मोरे साहब संगीतकार होकर आपने पहला गीत कौन सा संगीतबद्ध किया था? फिल्म के लिए किया था, वो लफ्ज मुझे याद नहीं है। जी। लेकिन एक रोमांटिक गाना था, उन्होंने जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने एक रिक्वायरमेंट की थी। जी जी। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप ही सिंगर चुनोगे। अच्छा। तो बहुत सारे सिंगरों को मैंने ये करके ऑडिशंस वगैरह लेके मैंने गाना बनाया था रोमांटिक। हाँ। तो उसका इम्प्रेशन मैंने लिया था, वो एक फिल्म थी। हाँ। शर्मिले नाम की एक फिल्म थी। जी, जी, शशि कपूर राखी जी, उसमें एक गाना था रेशमी उजाला है ऐसा कुछ गाना था। अच्छा अच्छा। तो वो इम्प्रेशन लेके मैंने उस तरह का। अच्छा, ठीक है, बनाया था। बाबा साहब का गीत कौन सा संगीतबद्ध किया था पहली दफा? पहली दफा मैंने बाबा साहब का संगीत नहीं किया था, मैं पूछ जाता हूँ इस बात। जी जी जी, बोलिए। मैंने कुणाल कंपनी से। हाँ। एक कुणाल कैसेट कंपनी थी, तभी कैसेट का दौर था, बहुत अच्छा दौर था। जी जी। तो कुणाल कंपनी के लिए मैं और मेरे छोटे भाई है मिलिंद मोरे। जी जी। हम लोगों ने 28 नॉनस्टॉप भीम गीत। हाँ हाँ। ये हमने बनाया था, जो आज भी जगह जगह आज भी जगह पर बजती है। बजती है, वो हमारी है। जी जी जी। आपने बनाया था? अरे वाह, बहुत अच्छी। उसमें विठल जी उमा, अरविंद मोहित, बहुत सारे कई सारे कलाकार थे उसके अंदर। जी 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 जी। हमें मतलब एक आदत है पहले से, मेरे डैडी की भी आदत है। अच्छा। आदत की हमें खुद करने से किसी से करवा के लेना। अच्छा। वो बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। मोरे साहब आप गीतकार भी हैं, तो बाबा साहब का पहला गीत कौन सा लिखा था आपने? हाँ, और उसको कंपोज किस तरह से किया था आपने? ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गीतकार हूँ ये तो मैं अभी भी नहीं मानता, लेकिन लिख लेता हूँ। जी जी। और ये मुझे ज्यादा नहीं है, शायद मैं मेरे डैडी 2001 में गए, गुजर गए। अच्छा। और मम्मी जी मेरी 2007 में गई। जी। शायद मैं 2009 या 10 के बीच में। हाँ। मैं सफ़र कर रहा था, वैसे की बात है, सातारा गया था। अच्छा, 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 जी। और उस टाइम एक गाना आया था। हाँ। आनंद शिंदे का कुछ गाना था, फिल्मी गाना था। जी जी। तो एक मिनट में। हाँ, बोलिए बोलिए। वो गाना मेरे दिमाग में, ऐसे सफर में कर रहा था मैं, मतलब ट्रैवलिंग कर रहा था मुंबई। अच्छा, की अच्छा। लिखने का तो शौक नहीं था, इसलिए पेन कभी रखा ही नहीं। जी जी। पूरा दिमाग में रहता ना। हाँ। जी जी, बोलिए बोलिए। तो कुछ दिमाग में बात आई कि हाँ। पापा साहब के ऊपर कुछ गाना बने। जी। तो मैंने ये गाना बना। हाँ। वो गाना मैं बता रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। गाना अच्छा लगा लोगों को, मैंने जब गाना बताया तो उन्होंने ये रिकॉर्ड करेंगे वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो हम लोग जो है, बाबा साहब ने कोट और टाई पहनते थे। अच्छा।
मेरे डैडी बाबा साहब के बहुत मतलब इतना बाबा साहब के लिए मतलब किसी ने अगर बाबा साहब का नाम निकाला तो भी रो जाते थे। उन्होंने बाबा साहब को देखा जी जी उनके मीटिंग होती सभा में गिरगांव में वहाँ पेटी बजाने का काम करते थे बाबा साहब वहाँ जी 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 तो उन्होंने देखा था। अच्छा बाबा साहब गुजर गए तो उनके अंत यात्रा में भी चले गए थे, कपड़े फटे हुए थे, चप्पल। अच्छा अच्छा एक ड्रामा था एक बुद्धम शरणम गच्छा भी जी जी उसमें मुझे लेके गए थे। मैं बहुत छोटा था और जैसे नारायण दुला के बाबा साहब करते थे और रोल करते थे तो नारायण जी दुला के जब जैसे स्टेज पर आए बाबा साहब बन गए। अच्छा तो उनको देख के मेरे मुझे अभी भी याद है मेरे पिताजी की आंखों में से आंसू बह रहे थे कि बाबा साहब मैं देख रहा हूँ बाबा साहब। अच्छा अच्छा बहुत ही ये थे उन्होंने वो अच्छा लिखते थे बाबा जी, 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 जी। उन्होंने आनंद शिंदे जो भी आंटी मेरा ली आंटी जी घंटी नहीं, 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 आपका, आपका गीत मैं बता रहा हूँ वही प्यार जी 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 आंटी जी घंटी पोपट वगैरह ऐसे जब गाने चलते थे तो मेरे डैडी को आनंद शिंदे मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। मिलिंद शिंदे हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो उन्होंने कहा जॉली सामना रे वडलाना एखाद गाना से ले आया तो मैं भी मेरे भी डैडी का गाना आ जाएगा। अच्छा 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 जी जी तो उनकी बात मैं जरूर आपको मतलब फख्र से कहता हूँ जी जी बोलिए बोलिए कि आनंद को बताया था कि मैं भी ऐसे गाने लिख सकता हूँ। हाँ। कुछ गाने लिखे हुए उन्होंने बताए अच्छा, भी जी जी लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बाबा साहब का चेला हूँ बाबा साहब का गाने मानने वाला हूँ। हाँ। बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाला हूँ। अच्छा मैं बाजार में हाँ। मेरे अपने नाम के लिए मैं मांसाहारी नहीं बेचूंगा मैं श्रीखंडपुरी ही बेचूंगा जी। तो ये बात मेरे ध्यान में थी फिर मैंने जब दिमाग में सफर कर रहा था जैसे पहले मैं बताया था कि मैं सफर कर रहा था मुंबई की तरफ आ रहा था जी। एक बात आई तो थोड़ा आनंद शिंदे ये सब कैसे लोगों को मतलब लोगों को गर्म करे अच्छा, अच्छा। दिमाग में कैसे बात जाए जी 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 तो मैंने लिखा हाँ। मराठी में गाना है गाकर बताइए अच्छा रहेगा बोलिए बोलिए याची फाटली याची फाटली बाबा साहब कोट पहनते थे अच्छा, हमेशा जी जी और उनको उनको पूछा था गांधी जी ने अच्छा, जी, कि आप हमेशा टायर कोट में घूम रहे हो या सूट बूट में रहते हो तो उन्होंने कहा था उनको जवाब ऐसा था हाँ, कि मेरा समाज हाँ, मेरे समाज को जो आज बदन में कपड़े नहीं है लेकिन कल मेरा समाज यही ऐसे ही मेरे जैसे लोग सूट बूट में रहेंगे। अच्छा अच्छा तो आज लोग देख रहे हैं हम लोग सूट बूट में घूम रहे हैं तो उसके ऊपर मैंने लिखा था याची फाटली त्याची फाटली याची फाटली त्याची फाटली आमचा रुबाब पाहिल्यावर बापू माझा भीमराव आंबेडकर बापू माझा भीमराव आंबेडकर ऐसा कुछ उचला उलटा। अच्छा, तो ये पहला गीत बाबा साहब के जीवन पर आपने लिखा लिखा जी जी जी। संगीतकार बोलकर आपने अभी तक कितने गानों को संगीतबद्ध किया है? संगीतकार बोलकर के बहुत सारे मेरे गाने हैं अभी अनगिनत है शायद लेकिन जो लोगों के सामने जो मेरे चर्चित गाने हैं उनमें से विद पीपल में जो मैंने जिजाई रमाई सावित्री अच्छा जो सीमा पाटिल जी गाती है हाँ, हाँ, उसको मैंने कंपोज किया लिखा है किरण सनोन ने। सर अभी अभी आपने विद पीपल की बात निकाली है तो अच्छा, विद पीपल एक ऐसे ही दिमाग में बात आई थी अच्छा कि मैं भीम जी और उद्धव के गाने को बहुत सारे में प्रोग्राम कर चुका हूँ जी 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 और करते आया हूँ। सर ऐसा है ना कि हाँ। कोई भी प्रोग्राम अगर जयंती का हो या कुछ भी कोई किसी भी बहाने हाँ। अगर प्रोग्राम है जी। और लोग बुलाते हैं कलाकारों को तो चेहरे बदल जाते हैं लेकिन गाने वही रहते हैं हाँ। जैसे एग्जांपल दलित अंसा राजा जी 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 भीमराज की बेटी बराबर छाती ठोक संगू जगाला गाने वही है गाने वही है सुनने वाले भी वही है वही है उसका नजरिया बदला गया तो वही गानों में हम लोग अटके हुए फंसे हुए हैं जी जी जी। तो और एक दूसरी बात है वही तो पीपल की बात कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ जी जी कि जब बाबा मतलब मैं खुद घंटाल गया था कि वही क्यों मैं गाऊँ क्यों मैं करूँ जी 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 जी। तो जब से मतलब सीमा जी पाटिल मेरे साथ जुड़ी हुए हैं अच्छा तो मैंने उनसे कहा था कि हम लोग एक भीम गीत का बहुत बड़ा प्रोग्राम बनेगा अच्छा फिर उनको मैंने किताबें दी कुछ पढ़ो उनकी उनके अंदर बहुत उनका अभिनय अच्छा है अच्छा डांस का उनका बहुत अच्छा लहजा है जी 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 और शायरी है पेश करना है बहुत एकदम मर्द की जैसे पेश करते जी 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 तो बहुत सारे उनके उनके अंदर मैंने जो गुण देखे थे हाँ। मतलब
नहीं है, इसको कुछ लेके इसको मतलब सीमा पाटिल को मध्य नजर रखते हुए अच्छा उनके आजू बाजू में कुछ बनाएंगे तो बाबा साहब और बुद्ध का भी इंतजाम जी 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 जी। फिर संविधान आ गया दिमाग में। अच्छा बाबा साहब ने तो इतने अन्याय सहे हुए हैं। जी 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 बराबर। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। सही बात। लेकिन जब संविधान लिखने की बात आई बाबा साहब के ऊपर तो उन्होंने किसी भी अन्याय का बदला लिया नहीं। जी जी। किसी के ऊपर मतलब किसी जाति धर्म के ऊपर या किसी प्रांत के ऊपर या किसी भाषा के ऊपर उन्होंने जो संविधान बनाया भारत देश का, आज संविधान पूरी दुनिया मानती है उस संविधान। जी जी बराबर। उस पर देश चलता है ना, उस पर देश जीता है। हमारे देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे प्रांत हैं, अलग अलग 100-100 किलोमीटर के अंदर अगर घूमते हैं तो अलग अलग संस्कार, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लहजा, कपड़े पहनने का, खाना पीना सब बदल जाता है। लेकिन सब कुछ है हमारा अपना अपना, अपना हमारा मतलब अपना अपना है, लेकिन संविधान एक ही है। और बिल्कुल आज जितने भी भारतवासी हैं खुशी से है। और बाबा साहब को मानने वाले हमें, मुझे तो मालूम नहीं था कि मैं बाबा साहब को मानने वाले हम लोग मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र के अंदर ही समझते थे कि महाराष्ट्र के, लेकिन गुजरात में भी बाबा साहब को मानने वाले, पूरा देश मानता है, पूरा देश मानता है। और हमारे जैसे कलाकार पूरे देश में हैं जी जी जी, और अपने अपने भाषाओं में बाबा साहब के गीत गाते हैं जी जी जी, लेकिन महाराष्ट्र तक आज तक पहुंचे नहीं। अभी ठीक है व्हाट्सएप पे इसमें फेसबुक में थोड़ी थोड़ी आने लगे हैं जी जी, लेकिन इससे पहले कभी नहीं आया। जी जी मोरे साहब, संविधान की बात आपने निकाली है तो संविधान पर एक आधा गीत हो जाए। मैं बताता हूँ वो भी बताऊँ। बोलिए। तो जो ये पहली बात है नीद पीपल जी, गिनी माही का जो गाना है, गिनी माही जो पंजाब से आती है, गुजरात में से है, आंध्र में तेलुगु भाषा है, तो आज यूट्यूब में अगर ढूंढोगे आप तो हर लैंग्वेज में आपको जी जी गाने मिलेगी। लेकिन हम लोग इतने आलसे है कि हम लोग अपने अपने में फंसे हुए जी जी जी, हम देखते नहीं बराबर, हमारे राज्य के बाहर महाराष्ट्र के बाहर आजू-बाजू देखते नहीं, अपनी धुन में चलते, अपनी धुन में चलते जी जी जी। बस वो खाली मैंने ढूंढा अच्छा, और मैंने सोचा कि ये चीज लाएंगे अच्छा, कि अलग अलग प्रांत से अलग अलग लैंग्वेज में बाबा साहब किस तरह लोग बताते हैं अच्छा अच्छा, ये महाराष्ट्र लोगों को समझ में आए जी, दिखाएं जी जी जी। फिर ये तो गाने में बात हो गई हाँ, लेकिन उसमें फिर भी मैं तरस रहा था कि नहीं तो गाने तो हो जाएंगे लेकिन उसमें क्या है, गाने तो हर कोई करेंगे लेकिन इसमें अलग सा कुछ हो जाए अच्छा। और मेरे पास एक सीमा पाटिल जैसे एक बहुत बेहतरीन कलाकार है जी, जिसके अंदर अभिनय है हाँ, उस अभिनय को बाहर निकालने के लिए मैंने अच्छा, उसके अंदर ड्रामेटिक सॉन्ग्स बनाए अच्छा, और सारा कंसेप्ट मैंने कि मुझे क्या करना है, यशवंत मनोहर जी है उनकी लिखी हुई रामायण जो किताब है उसको पढ़ा जी, उस पढ़ने के बाद उसके ऊपर उनकी इजाजत भी ली अच्छा, जी जी जी। प्राध्यापक विजय कुमार का भाई उन्होंने ये नाम दिया वी द पीपल जी जी जी। हाँ जी, मैंने बताया कि ये जो गाना मैं बताऊंगा तो उसमें रमाई और बाबा साहब स्टेज पर लाऊंगा अच्छा, और उनके कुछ दृश्य हैं वो सब लोगों के सामने लाए। ठीक है, तो वी द पीपल की एक थीम ऐसी बनी कि आज गर्व नहीं लेकिन अभिमान से कहता हूँ कि भारत में ऐसा इधर ही कहीं भी ऐसा वी द पीपल जैसा प्रोग्राम नहीं। जी जी जी। तो वी द पीपल में का ये गीत हम जरूर सुनेंगे, बिल्कुल गाकर बताएं दर्शक सुनना चाहिए। ठीक है हाँ। मेरे डैडी का ही गाना है हाँ, बोली, बोली। जिन्होंने बाबा साहब को देखा था और उन्होंने जब लिखा हाँ, तो ऐसे लिखा हाँ। मानवी मूर्ति करता ना मूर्तिवर प्रीत करता ना, मानवी मूर्ति करता ना मूर्तिवर प्रीत करता ना, मी पाविला कुंभार मातीत जीव भरताना, मानवी मूर्ति करताना मूर्तिवर प्रीत करताना, मी पाविला कुंभार मातीत जीव भरताना, मानवी मूर्ति करताना। वाह, ऐसा गाना था जी, जी। और एक गाना है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैंने उसको मैं गाने में नहीं लेकिन ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। या धरती वर धूल उड़ाली कशी कुणाचा पायाची, या धरती वर धूल उड़ाली कशी कुणाचा पायाची, निर्जीव पुतले सजीव झाले किमया ही बिबराय। वाह वाह
दो साल हो गए पूरे। अच्छा, अब दो साल में बहुत सारे प्रोग्राम। जी जी जी। जॉली साहब, अभी तक आपने बाबा साहब के हो या मराठी भावगीत हो, कितने गीतों को आपने सुरों में ढाला है, यानी संगीतबद्ध किया था अभी तक? वैसे तो गिन नहीं पाऊंगा, लेकिन जी बहुत सारे गीत हैं। एक लावली भी मैंने की थी, उसके लफ्ज ने मुझे याद। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। बहुत सारे गीत हैं। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा अंक भी नहीं पता। ठीक है ठीक है। जॉली साहब, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी आपने प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है आपके प्रोग्राम के बारे में? बिल्कुल, आज शायद 29 तारीख है, हम लोग 26 तारीख को इंदौर में थे। जी जी जी, मतलब कल की बात है। हाँ। दो दिन पहले की बात। अच्छा, आज भी लोगों के फोन आ रहे हैं, सुबह से फोन आ रहे हैं। अच्छा, बेहतरीन प्रोग्राम के बोले हम तो हमें बाबा साहब और रमाई दिखाई दिया आज। जी 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 जी, बहुत लोग खुश हो। जी जी, जॉली साहब, आप जब गाते हो तो बड़ी तन्मयता से गाते हो। लोग तन्मयता से सुनते भी है और आप तन्मयता से गाते भी है, तो आपके दिल को क्या लगता है? मैं बहुत खुशी होती है कि लोग चाहते हैं। जी जी जी। और मुझ जैसे कलाकार को लोग पसंद भी करते हैं, तो खुशी तो जी 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 जी। जॉली साहब, महाराष्ट्र के अंदर वामन दादा कर्ण का बहुत नाम है। बहुत। तो इनकी कभी मुलाकात हुई थी क्या आपसे? नहीं, मेरी डैडी की हुई थी। अच्छा। और मेरे डैडी उस फिल्म में थे। हाँ। इसलिए उस टाइम के प्रहलाद जी शिंदे, अच्छा, विट्ठल जी उमो, जी नवनीत खरे, गोविंद मशलकर, हमारे घर में आना जाना था इनका। अच्छा, मतलब मैं अगर खेला कूदा तो इनके साथ ही खेला कूदा। उस जमाने के बहुत दिग्गज गायक, बहुत बड़े। तो वामन दादा का कभी गीत सुरों में ढालने का प्रयास किया था? नहीं नहीं, कभी। जी 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 जी। तो आप गीतों के जरिए जो समाज के लिए काम करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, बाबा साहब का विचार जन जन तक जाने का प्रयास करते हैं, बराबर? तो बाबा साहब की एकादी याद जो आपने गीतों को दिल में रख के लिखी है, ऐसा एकादी याद? अब तक तो मैंने लिखी नहीं। अच्छा, लेकिन लिखूंगा जरूर। अच्छा। मैं ये सोच रहा हूँ, संविधान। अच्छा, एक सब्जेक्ट ऐसा है कि संविधान ने हमें क्या दिया। जी जी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैं कल भी एक प्रोग्राम में कहा था। अच्छा। रात के प्रोग्राम में कि संविधान दिया है, बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, हम लोग सिर्फ कहते हैं, लेकिन संविधान आज तक हमारे घर में तक आया नहीं। जी जी जी। हम पढ़ते भी नहीं, अगर किसी के घर में आया तो बस दिखाने के लिए, कि कोई लोग पढ़ते भी होंगे, सभी लोग के बारे में बात नहीं करूँगा। जी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि संविधान रखा है घर में। जी जी। लेकिन पढ़ाई नहीं की, पढ़ते नहीं लोग। दर्शकों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब का ज्ञान, बुद्ध का विज्ञान, दोनों का मिलाप इन्हें भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की बलबूते पर देश आज खड़ा है, और वही जिक्र यहाँ पर जॉली मॉरिस साहब ने आपके सामने रखा है। तो इसलिए संविधान का पालन करें, बाबा साहब के विचारों का पालन करें, ऐसा ही मॉरिस साहब ने आपके सामने रखा है। मॉरिस साहब, कभी जो नारी होती है इनके लिए कभी गीत लिखने का प्रयास किया है क्या आपने, महिलाओं के लिए? नहीं, मैंने नहीं किया। जी जी जी। मैं बहुत कम, मतलब मेरा मैं म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक में ज्यादा था। म्यूजिक कंपोजर है। हाँ, म्यूजिक में ज्यादा था, लेकिन बात सुस्ती है। हाँ। लेकिन फिर ताल देता हूँ, नहीं यार मजा नहीं आएगा। जी 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 जी, जी, जी। आपका जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कम से कम 25 कलाकार है, तो 25 कलाकारों को कैसा मेंटेन करते हैं? पूरे सभी जाति धर्म के लोग आपके कलाकार इस क्षेत्र के अंदर। अच्छा सवाल है आपका सर। हमारे घर में पहले से ही लोगों का आना जाना था, मैंने भी बताया कि डैडी की वजह से। जी। लोगों के बिना हम रह नहीं सकते। और मम्मी डैडी ने कभी, मतलब जब डैडी के साथ 10-10, 12-12 लोग आते थे। अच्छा। तो मम्मी ने कभी, मतलब उस नज़र से देखा कि क्यों लाए ये सब, अभी मुझे खाना बनाना पड़ेगा, चाय बनानी पड़ेगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो बस अच्छा। वही जो गुण है हमारे अंदर आ गए, और अभी तो ऐसा लगता है कि मेरी अपनी फैमिली, मेरे मुझे 4 लड़कियां हैं, उसमें से 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है। अच्छा, एक लड़की अभी बाकी है, लेकिन बस इसी धुन में हूँ कि यही मेरा परिवार है, उस परिवार को मैं शायद भूल चुका हूँ। जी 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 जी, ऐसा लग रहा है। जी जी, अब भूलूंगा तो नहीं। अच्छा, लेकिन यही ये परिवार में, और बहुत अच्छा लगता है कि
इन 25 लोगों के साथ में घूम रहा हूँ, इनके साथ में बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, वो उनकी सुख दुख की मेरे से शेयर करते हैं, तो मैं उनको उसका मतलब उनका सुख दुख जो है मैं बांट रहा हूँ उनके साथ। जी 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 जी। और ये करते करते और लोग बढ़ते गए हैं, जहाँ जहाँ भी भाई प्रोग्राम जैसे आप मिले हैं, आप चलते गए, कारवा बढ़ता चला। करता पर। जी जी। परिवार की बात यहाँ पे भी की है अभी, तो कितने बाल बच्चे हैं आपको? मुझे 4 लड़कियाँ हैं। अच्छा। लड़कियाँ ही हैं, लड़के को मैं कभी सोचा ही नहीं कि लड़का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जी जी। मोरे साहब, अक्सर क्या होता है, लड़का नहीं बोलकर लोग बहुत नाराज होते हैं, तो आपको तो 4 लड़कियाँ हैं, इतने खुश रहते हो आप, क्या राज है इसका, क्या राज है? मैं बताता हूँ। हाँ। कि पहले से स्कूल में, अच्छा, स्कूल में मैं पढ़ता था, उसी टाइम से मेरी सोच कुछ अलग थी। अच्छा। कि बचपन था, सब नादानी थी, अरे वाह, दोस्तों में हम लोग बैठते थे तो सोचते थे कि हम लोग शादी बनाएंगे तो ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी बनाएंगे, वो बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कभी वो सोचा नहीं। हाँ, हाँ। खूबसूरती हो, अच्छा, मेरे घर के अंदर जो आएगी वो खूबसूरत है। जी जी। चाहे मुझे कैसे भी हो। वाह वाह वाह। तो मैं खूबसूरती उसी में मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि मुझे जब पहली लड़की हुई तो मैंने मम्मी मेरे डैडी को कहा था, अच्छा, क्योंकि हम लोग 5 भाई हैं और एक बहन है, छोटी बहन है, वो भी अच्छा गाती है, वो भी अच्छा सिंगर है। जी, हमारे सारे भाई हम लोग इसी फील्ड में है। अच्छा अच्छा। सारे म्यूजिशियंस हैं। जी जी। मोरे साहब, आपको 4 लड़कियां बोले आप, वही बता रहा हूँ, तो ये 4 लड़कियों में से किसी लड़की को इस संगीत क्षेत्र में लाना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, हम लोग 5 भाई लोग इसी फील्ड में, सारे म्यूजिशियंस अच्छे म्यूजिशियंस हैं। अच्छा। मेरा एक जो छोटा भाई है उसने टाइम पास फिल्म जो है, हाँ, आई थी वो, हाँ, जी, जी, उसमें जो गाना था तुपा तपोरी ही साजुत पूरी ऐसे कुछ गाना था, कोली गीत, अच्छा, वो उसने कंपोज किया है। अरे वाह। पर्दे पे उसका नाम भी है। जी 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 जी। तो जब मुझे पहली बच्ची हुई, हाँ, मम्मी डैडी से कहा ये बस एक ही में हम लोग सफल मतलब खुश हैं। जी 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 जी। नहीं चाहिए मुझे लड़का लड़की कुछ नहीं, अच्छा, तीनों ही रहेंगे। जी। लेकिन मम्मी ने बात नहीं मानी, फिर एक से बढ़कर एक। जी जी जी। लेकिन लड़कियां हुई, मुझे अच्छा लगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। मोरे साहब, गायन क्षेत्र के अंदर रियाज की बहुत उसको बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है, रियाज एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, तो इतना सफर करते हैं आप, इतने प्रोग्राम करते हैं, तो रियाज के लिए कब वक्त निकालते हैं आप? सफर में तो नहीं होता जी, अभी सोचिए कि अप्रैल से हम लोग, अप्रैल महीने की 5 तारीख से हम लोग बाहर हैं। अच्छा। अभी भी बाहर हैं। जी 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 जी। शायद घर पे अभी 4-5 तारीख को जाऊंगा। अच्छा अच्छा। कल परसों हम लोग अमरावती जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। ये सब करते हुए प्रैक्टिस तो नहीं होती, मतलब रियाज नहीं होता। जी 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 जी। लेकिन जब घर में रहता हूँ, बैठता हूँ तो हारमोनियम लेके, अरे वाह, बैठ जाता हूँ। तो अब हम आपके मनपसंद का गीत सुनना चाहेंगे आज, जो आपके दिल को छूता है, दिल को अच्छा लगता है, वो गीत जरूर सुनिए आज। कैसा है कि बाबा साहब के जो गाने हैं, हाँ, बुद्ध के जो गाने हैं, जी जी जी, उसमें से मेरी पसंद तो मेरे डैडी की गाना, मेरे डैडी का गाना, अच्छा अच्छा गाना है। जी जी। हाँ, बोलिए। बोधी वृक्षाची पालवी, पालवी, बोधी वृक्षाची पालवी, व्यापलेला जीवा बोलवी, व्यापलेला जीवा बोलवी, बोलवी, बोधी वृक्षाची पालवी, पालवी, बोधी वृक्षाची पालवी। वाह 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 वाह। दर्शकों, अभी अभी यहाँ पर जो बोधि वृक्ष होता है, जहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी पीपल के पेड़ की बात यहाँ पर मोरे साहब ने लिखी है। तो माझा समान येथे ती झाड़े अनेक होती, माझा समान येथे ती झाड़े अनेक होती, भाग्य म्हणू की माझे गौतम इथेच आले। ये जो बुद्ध ने जो पीपल को, इन्हें पीपल के पेड़ को जो चुना था सम्यक संबुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए, इन्हें वहाँ पे समाधिस्थ हुए थे बुद्ध, तो वही बात यहाँ पर बोधि वृक्ष के माध्यम से आपके सामने मोरे सामने बड़ी आसानी से रखी। मोरे साहब, अक्सर लोग जब 4-व्हीलर गाड़ी लेते हैं तो अशोक का चक्र डालते हैं, 2-व्हीलर गाड़ी लेते हैं तो अशोक का चक्र डालते हैं, मकान बनते हैं
तो उस पर भी अशोक चक्र डालते हैं कि नहीं, हम बौद्ध है, बौद्ध संस्कृति क्या हम है, ये पहचान के लिए डालते हैं। तो इस पर आपका एक गाना बहुत ही अच्छा गाना है, तो वो गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे, तो गाकर बताइए और उसकी जो बैकग्राउंड है उस बारे में भी जानकारी दीजिए। ठीक है सर, बोलिए। वैसे बचपन में हम लोग वर्ली में थे जी, और हम लोग बुद्धिस्ट है, बौद्ध है, डरते थे, घबराते थे। अच्छा, आज मैं प्रोग्राम के लिए कहीं भी जाता हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं विदर्भ, मराठवाड़ा, अच्छा, यहाँ में ज़्यादा मेरे प्रोग्राम मेरे बन चुके हैं। अब बहुत अच्छा लगता है कि किसी की गाड़ी के ऊपर अगर अशोक चक्र देखें, जी जी जी, मकान के ऊपर, कुछ लोग तो मकान के ऊपर, इतने बड़े बड़े मकान है और उनके ऊपर हाथी वाथी, क्या क्या, मतलब गजब का ही। यहाँ इस, मतलब मैं पश्चिम महाराष्ट्र से हूँ, मैं पश्चिम महाराष्ट्र से कोई ये नहीं करूँगा, अच्छा, लेकिन ये सारी बातें वहाँ दिखाई नहीं देती। अच्छा, पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र जी, लेकिन यहाँ पे लोग पागलों की तरह है। क्या कारण क्या हो सकता है, पता नहीं, मैं पता नहीं, मैं इतना अच्छा मैंने नहीं बोलूंगा। जी जी जी, बोलिए बोलिए, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, मुझे वापस पश्चिम महाराष्ट्र में जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, लेकिन ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती वहाँ पे। अच्छा, फिर लोग देखते हैं, और जो मेरे साथ बहुत सारे लोग बाहर के भी, मतलब बहुजन लोग बहुत जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम लोग कभी गपशप मारने बैठते हैं तो, अरे किसी की गाड़ी देखी, अशोक चक्र देखे थे, अरे तो जयभीम वाले से गाड़ी है, तुझे हाँ। गाड़ी है क्या? अच्छा, जयभीम वाला का, मतलब जयभीम वाला, बुद्धिस्ट नहीं पूछते हो। अच्छा, जयभीम की पहचान? हाँ, पहचान हमारी जयभीम की है। ओके, इसके ऊपर मैं कल मैं बताना भूल गया, कल प्रोग्राम में। अच्छा, मैं बताता हूँ। जी जी, बोलिए। पहले ये बताता हूँ कि मकान देखे तो जयभीम वाले का मकान है। अच्छा अच्छा, गाड़ी देखी तो जयभीम वाले का, कुछ लोग तो गले में या सोने का ये बना के, पेंडल बना के, अशोक चक्र, हाँ हाँ करते, तो भी लोग बोलते हैं कि ये जयभीम वाला है। जी 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 जी, हम लोग आज डरते थे, कल्याण जी एकदम घमंड से बोलते हैं, करते भी है। हाँ, लेकिन वो लोग कभी बुद्धिस्ट के हैं, बौद्ध है, कभी नहीं बोलते। तो सोचा यार, इसके ऊपर फिर दिमाग में बात आई। अच्छा, सिर्फ हमारे घर के ऊपर ऐसा नहीं है ना? हाँ, तिरंगा देखिए। हाँ, तिरंगा पर भी है, तो क्यों नहीं कहते, तिरंगा तो देश का है। हाँ, तो लोग क्यों नहीं कहते जयभीम वाला, बोलना चाहिए। नहीं, ये देशी जयभीम का है। हाँ, देशी जयभीम का है। हाँ, बोली बोली, हाँ बराबर, बोलना चाहिए ना। हाँ, बोलना चाहिए। सिर्फ घर क्यों, मकान क्यों? हाँ हाँ हाँ, और हमारे ही घर जी। तो मैं सोचा कि यार इसके ऊपर कुछ लिख दे। ठीक है, वो गीत सुनेंगे, हम जरूर सुनेंगे। बोलिए। और मैंने लिखा है, वो धुन भी मैंने ही बनाई है, गाना, गीत की, संगीत भी मैंने ही किया है जी। मेरे साथ सीमा जी पाटिल रहती है, हम लोग दोनों मिलकर गाते हैं। ठीक है, आज यानी सीमा पाटिल और जॉली मोरे, ये सूत्र है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, इसमें कोई ये नहीं है। बिल्कुल, ये क्या है कि वो मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मैं बीच में एक सब्जेक्ट है कि मैं मानता हूँ कि कोई ऐसी एक कलाकार को कोई चीज मिल जाती है, हाँ, हाँ, तो उसके ऊपर वो पागल हो जाता है, फिर उसे उसे क्या 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 क्या, मेरे अंदर से भी बहुत सारे कुछ बातें निकल गई। बराबर बराबर। तो ये जो गाना है, हाँ, बोलिए, आपको बताता हूँ। बोलिए। अशोक चक्र लही जोरदार, सांग तो आमी आता वाल थंडगार, अशोक चक्र लही जोरदार, सांग तो आमी आता वाल थंडगार, घरांवर चक्र गाड्यांवर चक्र, घरांवर चक्र गाड्यांवर चक्र, पाहुल म्हणतात जय भीम वाला, पाहुल म्हणतात जय भीम वाला वाला वाला। मग तिरंगा झेंड्यावर अशोकाचे चक्र, तिरंगा झेंड्यावर अशोकाचे चक्र, सारा देशच जय भीम वाला। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, क्यों नहीं कहते लोग? सही बात है, सही बात है। अगर तिरंगा पे अशोक चक्र है, ये पूरा देशी जयभीम वाला बोलना चाहिए। बराबर बराबर। तो जाति मोरे साहब, ये नॉटी गाना है, लेकिन जी जी, जो लेकिन सच है। नहीं, सच है, सच है, सच है। इसको धम्म चक्र भी कहा जाता है। धम्म चक्र भी कहा जी जी जी। मोरे साहब,
इतने प्रोग्राम करते हैं आप, महाराष्ट्र में करते हैं, महाराष्ट्र के बाहर करते हैं, और खास करके भीम जयंती के वक्त तो आप बहुत ही प्रोग्राम करते हैं, यानी घर में रहते ही नहीं, कहाँ तो गए नहीं, बराबर है? नहीं, यही घर है अभी, क्या ठीक है। तो किसी संस्था ने बोला या किसी सरकार ने आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है? नहीं, वो बात में दुख नहीं है उस बात का जी, जी लेकिन नहीं किया आज तक किसी ने। अच्छा। हाँ, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ फूल देते हैं, वो सम्मान मिलता है, कोई ट्रॉफी देता है, वो सम्मान मिला जी, 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 जी। और लोगों की तालियां आपके गीतों पर, ये सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोग मुझे कहते भी हैं कि आप गवर्नमेंट से मतलब मंत्रालय जाके थोड़ा सा ये करो, अप्रोच हो जाओ उनको, उनके साथ तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। बस नहीं जाता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाने से बेहतर कि यहाँ इनके साथ जाना अच्छा लगता है। आपको वक्त ही नहीं मिलता ना वहाँ जाने? नहीं, वक्त क्यों नहीं, वक्त अभी समझो जून जुलाई में वक्त अच्छा है। अच्छा, लेकिन वो सोच नहीं है कि किसी के सामने जाके कुछ दे दे मुझे। जी, 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 जी। मैं मुझे दे दो, अच्छा मैं मांगता हूँ, मुझे जरूरत है, ये नहीं है। तो मांग के लेने वाला वो पुरस्कार भी नहीं चाहिए मुझे। तो चलो अच्छी बात है, पुरस्कार से आप दूर है, ये अच्छी बात है, बराबर है। तो इस संगीत क्षेत्र के अंदर अभी तक आपने कितने कलाकारों को लाया है? सर बहुत सारे प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे कलाकार लाए जी। वैसे एक मेरा मेरे साथ मतलब नया लड़का था, अच्छा, जो आज आशा ताई के साथ, मन्ना दे के साथ, और ये क्या था वो मोटा सा भी पतला हुआ है, अदनान सामी के साथ, उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। लाइट्स मून मैंने लाए हैं, जो आज इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत तहलका मच चुका है, मतलब जो एटम सॉन्ग की जो लाइट्स वाइट रहती है। अच्छा अच्छा। तो हमारे लाइट्स मून जो चार लाइट लेके आया था, राजीव निर्वलकर करके उनका नाम है, बहुत बड़ा लाइट्स मून हो चुका है इंडस्ट्री में, मतलब वो आज भी मुझे याद करता है। और मैं जिक्र करता हूँ कि नंदेश उमोक, तो एक मैंने शोमैन नाम का एक ऑर्केस्ट्रा बनाया था बॉलीवुड का, तो पहला उनका वो मेरे पसंद पहली बार मेरे साथ आया था, आज बहुत बड़े काम पर है, मतलब स्थान पर काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे अनगिनत लोग हैं, और पहले से शौक है इसको। अभी ये लड़का है जो सुमित कुमार है, अच्छा, बिल्कुल पहली बार आया था, चलो गाल के सुनाओ फिर आप, तुम ये करो वो करो, आज वो मराठी गाना गा रहे हैं। जी 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 जी। मोरे साहब, मोरे साहब, समय की पाबंदी है, तो जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी अभी देश और देश के बाहर भी दिख रहा है, तो लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी भी बातें सुन रहा है, मेरी भी बातें सुन रहा है घर बैठे, तो घर में बैठे हुए जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश दोगे, क्या पैगाम दोगे? मैं इतना तो बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन संदेश देना मैं इतना ही कहूँगा जी कि लॉर्ड बुद्धा चैनल जो है हमारे लिए वो बहुत बड़ा चैनल बन चुका है जी। हमारे दिल की बात, हमारे दिल की जो मतलब हम कि अपने घर में किसी अपने से बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हम कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, तो उनके साथ शेयरिंग करते हैं, और समाज के लिए लॉर्ड बुद्धा चैनल जो है बहुत बड़ा चैनल है हमारे लिए, कि वो हमारी बात है, दिल की बात, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो वो सामने ला रहा है। तो लॉर्ड बुद्धा चैनल तो चैनल को हमें सब मिलकर हम सपोर्ट करना ज़रूरी है, और लॉर्ड बुद्धा चैनल के ऊपर मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि लॉर्ड बुद्धा चैनल को अच्छे अच्छे प्रोग्राम दें जी, अच्छे अच्छे बातें बताएं लॉर्ड बुद्धा चैनल के जरिए से, और बाबा साहब के विचार, शाहू फुले अंबेडकर के विचारधाराओं पर चलने वाला ये चैनल है, शिवाजी महाराज के विचार, अनगिनत लोग हैं हमारे देश के अंदर, उनके अच्छे अच्छे विचार लॉर्ड बुद्धा चैनल पे हम लोग अपने माध्यम से, हमारे कलाकारों के माध्यम से लोगों के सामने लाएं, बस यही उम्मीद रखता हूँ। तो दर्शकों, ये थे महाराष्ट्र के मुंबई शहर से हमारे मित्र जॉली मोरे, जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा टीवी पर अपनी दिलखलास बातें रखी है, आपका अनुभव आपसे शेयर किया है। तो जॉली मोरे
गीतकार है, संगीतकार है, अच्छी तरह से वो नाटककार है, और खास करके देखा जाए तो आंबेडकरी समाज में जो उभरते कलाकार है उनको प्रोत्साहन देने का वो काम करते हैं, यानी कि बुद्ध फुले शाहू आंबेडकरी विचारों का वो काम करते हैं, प्रबोधन का काम करते हैं। आने वाले दिनों में जॉली मोरिस साहब के माध्यम से, उनके संगीत के माध्यम से, उनके गीत के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, और इस समाज का कार्य करने के लिए जॉली मोरिस साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं चमकते सितारे मिले गांव में हमारे, इसी प्रोग्राम में इसी वक्त। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।